दोस्तों कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला नागिन शो टीवी इंडस्ट्री का सबसे सफल और पसंदीदा टीवी शो रहा है, जिसके हर एक सीजन को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। और यही वजह है कि इसके अब तक के 6 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हमें हर बार एक नई कहानी और नया स्टार देखने को मिला है, जिसकी वजह से दर्शकों को इसके सभी सीजन खूब पसंद आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं नागिन के अब तक के आ चुके 6 सीजन में से दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला कौन सा सीजन रहा है, और कौन सा है वो सीजन जो कि दर्शकों को इम्प्रेस करने में सबसे आखिरी नंबर पर आता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं नंबर 6 नागिन 4। नागिन का जो सीरियल दर्शकों को इम्प्रेस करने में नंबर 6 पर आता है वो नागिन 4 है, जिसमें हमें वीरेंद्र कुमेरिया, निया शर्मा और जैस्मिन भसीन जैसे कलाकार नजर आते हैं, जिसमें इन तीनों ने भले ही अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की हो, पर दर्शकों ने इन तीनों की ही एक्टिंग में कोई तालमेल नहीं देखा। तीनों के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल बेमेल थी, जिसकी वजह से शो में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर रश्मि देसाई को भी लाया गया था, पर इसके बावजूद भी ये शो बोरिंग ही रहा और ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। नंबर 5 नागिन 2। लक्ष्मी नंबर 5 पर नागिन का जो सीजन शुमार होता है वो नागिन 2 है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं नागिन का पहला सीजन दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया था, जिसकी वजह से मुख्य अभिनेत्री मोनी रॉय के साथ ही इसका दूसरा सीजन लाया गया, जिसमें हमें शिवन्या की बेटी शिवांगी की लव स्टोरी और रिवेंज स्टोरी देखने को मिली। मोनी रॉय के साथ ही इस शो में अदा खान और करणवीर बोहरा भी थे, पर इसके बावजूद इस शो में जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स लाए गए थे वो दर्शकों को बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लगे, जिसकी वजह से बोरिंग होने की वजह से इस सीजन को भी उतना ज्यादा प्यार नहीं दिया गया। नंबर 4 नागिन 6। नागिन के दूसरे सीजन से ज्यादा जिस सीजन को पसंद किया गया है वो नागिन 6 है, जो कि वर्तमान में प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें हमें शेष नागिन के रूप में तेजस्वी प्रकाश नजर आ रही है, जो कि देश को महामारी से बचाने के लिए दुश्मनों को मारने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी कहानी में हमें तेजस्वी प्रकाश प्रथा के रूप में नजर आ रही है। तो वहीं इनके साथ महक चहल, महक और सिम्बा नागपाल ऋषभ गुजराल के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनके बीच दिखाई जा रही स्टोरी कभी इंटरेस्टिंग तो कभी बोरिंग होती है, जिसकी वजह से शो की टीआरपी में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और इसलिए इसे नंबर 4 पर रखा गया है। नंबर 3 नागिन 5। नागिन के चौथे सीजन की बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद एकता कपूर ने नागिन 5 पर काफी ज्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से न सिर्फ उन्होंने नागिन 5 में एक दमदार स्टोरी दिखाई, बल्कि शो में उन्होंने हिना खान, सुरभि चंदना, धीरज धूपर और शरद मल्होत्रा जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी लाए, जहाँ शो के हर एक कलाकार ने अपनी एक्टिंग से हर किसी किरदार में जान डाल दी। तो वहीं दूसरी तरफ शो में चील और नागों के बीच में जिस तरह की दुश्मनी दिखाई गई उससे शो और भी ज्यादा दिलचस्प बन गया था, जिसमें सुरभि चंदाना और शरद मल्होत्रा की केमिस्ट्री चार चांद लगा गई थी, और इसी वजह से नागिन का 5वां सीजन दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया था। नंबर 2 नागिन 3। टीआरपी के मामले में नागिन का तीसरा सीजन भी काफी ज्यादा आगे रहा था। इस शो में हमें नागिन बेला की नागमणि को बचाने और रूही के रूप में अपने साथ हुए गलत कामों का बदला लेने की स्टोरी को दिखाया गया था, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर सुरभि ज्योति नजर आई थी। तो वहीं शो में उनके साथ ही पल्लवी पुरी, अनीता हसनंदानी, रजत टोकस, चेतन हंसराज जैसे टैलेंटेड स्टार कास्ट देखने को मिले थे, जिनके बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और केमिस्ट्री थी, और यही वजह है कि शो में दिखाए गए ट्विस्ट और टर्न्स से लेकर माहिर और बेला की लव स्टोरी को लोगों ने खूब पसंद किया था। नंबर 1 नागिन 1। जी हाँ, नागिन शो का जो सीजन अब तक सबसे ज्यादा सफल रहा है और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वो है नागिन का पहला सीजन, जिसमें हमें मोनी रॉय शिवन्या के रूप में दिखी थी, जो कि अपने माता पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए इंसानी रूप में ऋत्विक के घर में एंट्री लेती है और धीरे धीरे एक एक कर अपने हर एक दुश्मन का बदला लेती है। इसके साथ ही हमें इस शो में अर्जुन बिजलानी और मोनी रॉय की काफी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जिसने हर किसी को खूब दीवाना बनाया था। इसके अलावा शो में सुधा चंद्रन, अदा खान और मनीष खन्ना जैसे दमदार कलाकार देखने को मिले थे, जिनके किरदार में दर्शकों ने इन सभी को खूब प्यार दिया था, और यही वजह है कि सीजन ने टीआरपी के मामले में हर एक टीवी शो को पीछे छोड़ा था और टीवी इंडस्ट्री का नंबर 1 शो भी बना था। वेल दोस्तों, नागिन का आपका अब तक का सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।